हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपसे कुछ ऐसे प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि विंटर के प्लांट्स हैं और उनको हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे सेव कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे फर्स्ट में देखिए, डहेलिया का प्लांट है। तो डहेलिया को आप इसके जो ट्यूबर्स होते हैं, मैं आपको अभी अपने थर्ड फ्लोर पे दिखाऊंगी, बहुत सारे मेरे प्लांट लगे हुए हैं। तो आप इनके ट्यूबर्स को कलेक्ट करके उनको सेव कर सकते हैं। और ट्यूबर को कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि कभी कभी उनमें फंगस अटैक हो जाता है और फिर ख़राब हो जाते हैं। तो आप उससे क्या कर सकते हैं, ट्यूबर्स को आप उसी गमले में छोड़ दीजिए तो वो आपके नेक्स्ट ईयर के लिए उसमें सेव रहेंगे। और मेरे लगभग 2-3 साल से ऐसे ही कई गमलों में पड़े रहते हैं और उसके बाद जैसे ही इनका सीजन स्टार्ट होता है, इनमें अपने से ही प्लांट ग्रो हो जाते हैं बारिश के टाइम में, रेनी सीजन में, और फिर उसी की कटिंग ले लेकर मैं अगले साल प्लांट बना लेती हूँ। तो इस तरह से ये सेव हो जाते हैं। और आप चाहे तो इनको कटिंग भी लगा सकते हैं, तो कटिंग भी अभी चल जाएंगी और उससे प्लांट जो तैयार होंगे तो वो प्लांट आपके वो भी आपके सेव हो जाएंगे। तो आप दोनों तरीके आजमा सकते हैं। तो इस तरह से उसके बाद देखिए, डेंथस है। डेंथस को अगर बहुत ज़्यादा बारिश से आप बचा लेते हैं तो आपका प्लांट सेव हो जाता है। जो जून की गर्मी होती है, मई जून की, और इधर फिर बारिश का जो टाइम होता है, उससे अगर आप प्लांट को बचा लेते हैं, थोड़ा ऐसी जगह रखें जहाँ इसको बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा बारिश का पानी ना मिले, तो ये भी आपके पास सेव हो जाते हैं। और ये भी कटिंग से आसानी से लग जाते हैं, तो आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी कटिंग आप इसकी लगा लेंगे तो ये प्लांट आपके पास चल जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए भी। और उसके बाद देखिए कैलेंचो, तो कैलेंचो को भी आप सेव कर सकते हैं। आप इसको धूप से, जैसे ही आपके प्लांट की फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए, आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ सुबह की सिर्फ 1-2 घंटे की धूप आती हो, उसके बाद आप इसको छाया में रखिए। और इसकी कटिंग अभी भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो फिर जैसे आपका प्लांट बचा रहेगा तो फिर अगस्त के बाद से आप इसकी कटिंग लगाना शुरू करिए, जुलाई के बाद से, अगस्त सितंबर में, तो बहुत सारी कटिंग आपकी तैयार हो जाएंगी प्लांट में और आप उस प्लांट को फिर सेव कर सकते हैं और एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। जेरेनियम की भी अभी आप कटिंग लगा सकते हैं, कटिंग से लगे हुए प्लांट आपके शायद बच जाएं। वैसे देखिए सीड भी बन रहा है मेरे में, ये देखिए इस बार, तो अगर सीड अगर बन जाते हैं तो मैं इनके सीड भी कलेक्ट कर लूँगी। ये वैसे तो फर्स्ट टाइम ही मेरे गार्डन में बन रहे हैं सीड। और पिटूनिया को भी आप सीड से कलेक्ट कर सकते हैं, सीड इसके कलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप सीड के द्वारा इसको अगले साल, वैसे उतने सुंदर फ्लावर आपको नहीं मिलेंगे लेकिन अगले साल आप अगर प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको सीड से प्लांट आप बना सकते हैं, फिर न्यू ग्रो कर सकते हैं। तो आप इसके सीड लगा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह सीड पॉट बनते हैं। मैंने तो बनने नहीं दिए, मेरी ब्रांच भी टूट गई, मैंने बनने नहीं दिए, मैं इनकी डेड हेडिंग करती रही हूँ इसलिए इसमें सीड पॉट ज़्यादा नहीं बने। ये देखिए इस तरह के बनते हैं और ये अभी ग्रीन कलर का है। जब ये ब्राउन हो जाता है तो आप इसको, इसके सीड को कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, इस तरह का ये रहता है। ये तो ये ब्राउन हो जाता है तो इसमें छोटे छोटे, बहुत ही सरसों के दाने तो बहुत बड़े होते हैं, इसके दाने बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, तो आप उनको सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है बिगोनिया, बिगोनिया को भी आप कटिंग के द्वारा बहुत सारी कटिंग लगा करके इनको प्लांट को सेव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने भी कुछ कटिंग अभी लगाई थी कुछ दिन पहले, तो इसमें देखिए अभी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है और अभी फुल सन में रखा हुआ है और भी कटिंग लगाई हैं। तो कटिंग से भी आप इसको सेव कर सकते हैं बहुत सारे प्लांट को। और आप इसको ऐसी जगह रखिए, अभी तो मेरे यहीं पर रह देते हैं, मैं दोपहर में छाया भी बना देती हूँ। अभी वैसे 11 बज रहे हैं, काफ़ी तेज़ धूप हो गई है तो फ्लावरिंग करते रहते हैं ये अच्छे। और आप इनको कटिंग से अगर बहुत सारे प्लांट इनके तैयार कर लेते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ प्लांट तो फिर गर्मी में बच ही जाते हैं। अगर 1-2 प्लांट रहता है तो ख़राब होने के चांस रहते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट अगर रहते हैं तो फिर आप उनमें से कोई ना कोई प्लांट बचा ही लेंगे। तो आप कटिंग से इनको बहुत सारे लगा लीजिए और मैं भी अभी लगाऊंगी कुछ और कटिंग्स इनकी, तो मैं फिर शेयर करूंगी आपके साथ। कुछ कटिंग मैंने पहले लगाई थी तो मैंने आपको वीडियो भी बनाया था आप लोगों के साथ में। और बहुत तेज़ धूप में मत रखिए, 1-2 घंटे की सुबह की धूप मिल जाती है उतनी काफ़ी है तो, लेकिन एकदम छाया में रख देंगे तो इसकी फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी और प्लांट बहुत लंबे लंबे से हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने लास्ट ईयर मैंने ऐसे ही किया था, बिल्कुल छाया में रख दिया था, इसलिए मैंने इसको धूप में ही रखा है। इसमें सुबह की 4-5 घंटे की धूप लग जाती है और उसके बाद फिर मैं इसमें छाया भी बना देती हूँ दोपहर में, तो ये फिर दोपहर में आधी धूप में रहते हैं। तो इस तरह से आप बिगोनिया को भी नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर सकते हैं कटिंग के द्वारा और प्लांट को भी आप सेव कर सकते हैं। आपको इसको रेनी सीजन में बचाना बहुत ही ज़रूरी है, रेनी सीजन में ही सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। अगर आपने पूरे समर बचा लिया और रेनी सीजन में थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो आपका प्लांट तुरंत ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए साल्विया है, साल्विया को आप इसके सीड कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे सीड बनते हैं। यहाँ पर अभी तो मेरे में नहीं बने हैं, मैं इनको तोड़ के हटा देती हूँ, जब ये सूख जाते हैं तो इनमें सीड बनने
स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप इसको भी सेव कर सकते हैं सीड के द्वारा। उसके बाद देखिए डॉग फ्लावर है, डॉग फ्लावर को भी आप सीड से सीड ही इसके कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसमें सीड पॉट बनते हैं और ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं, इसे ब्राउन कलर के सीड निकलते हैं। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे से, तो आप इनको सीड कलेक्ट कर सकते हैं इसके, और ये नेक्स्ट ईयर आप अच्छे से आसानी से ग्रो कर सकते हैं इस प्लांट को। तो सीड से बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं, तो आप ज़रूर इनके सीड कलेक्ट कर लीजिए। मेरे भी देखिए कुछ बन गए हैं, कुछ तो मैंने कट करके सारे हटा दिए थे, कुछ बन गए हैं तो मैं इनको सेव कर लूँगी। तो आप इसको डॉग फ्लावर को सीड कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर के लिए रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पर्सलिन जो मैंने कटिंग से लगाए थे, उनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, बहुत ब्यूटीफुल से फ्लावर आने लगे हैं। और ये यहाँ पे रोज़ भी बहुत सुंदर खिला हुआ है आज। और यहाँ पर देखिए डहेलिया मेरे बहुत अच्छे से खिलने वाले हैं और खिल भी रहे हैं। ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे से। तो डहेलिया को आप इसी तरह से कटिंग से और ट्यूबर से आप सेव कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। आपके प्लांट मैं इन्हीं गमलों में इनको छोड़ दूँगी ऐसे ही, और जब मेरे प्लांट सीजन आएगा तो अपने आप इसी में ग्रो करेंगे, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। ये देखिए इसमें येलो कलर का निकलने वाला है। तो जितने मैं पांच प्लांट लाई थी, पांचों में अलग अलग कलर निकल रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से, और ये तो बिल्कुल अलग ही है, तो बहुत प्यारा सा है। कैलेंडुला के प्लांट आप इसके सीड कलेक्ट कर सकते हैं इसके भी, और बहुत आसानी से सीड से ग्रो हो जाते हैं। तो आप कैलेंडुला को सीड से कलेक्ट कर सकते हैं, सीड इसके कलेक्ट करके इसको नेक्स्ट ईयर के लिए रख सकते हैं, ताकि आप उससे बहुत ही आसानी से प्लांट ग्रो कर सकें। हाइब्रिड विंका की बात करते हैं, तो हाइब्रिड विंका तो पूरे साल चलने वाला है, फिर भी इसमें सीड बनते रहते हैं, तो आप इसके सीड कलेक्ट करके नेक्स्ट सीजन के लिए भी रख सकते हैं, और अभी इनके प्लांट बहुत सारे तैयार कर सकते हैं। मेरे देखिए सारे, बारिश हुई थी जब तो पूरे इनके सीड झड़ गए थे, तो बहुत सारे मेरे गमलों में ग्रो भी हुए हैं। तो मैं तो इनको अभी भी लगा दूंगी, क्योंकि समर में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, और विंटर में तो करते ही, पूरे विंटर भी इन्होंने ऐसी ही अच्छी फ्लावरिंग की है। और जीनिया को आप इसके सीड कलेक्ट करके अभी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि समर में बहुत आसानी से चल जाता है और विंटर में बहुत आसानी से चलता है। तो आप इसको हमेशा यानी पूरे साल अपने गार्डन में लगा सकते हैं इसी के सीड से। इस तरह से देखिए फूल, आप सूखे हुए फूलों को तोड़ लेंगे तो जो साइड के इसके सीड होते हैं थोड़ा पके हुए से रहते हैं ब्लैक कलर के। ये देखिए इस तरह से थोड़े मेच्योर सीड जो रहते हैं, ये थोड़ा कच्चा सा लग रहा है अभी, वो ब्लैक कलर के रहते हैं बिल्कुल। ये भी ग्रो हो जाएंगे अगर मैं डाल दूंगी इनको। तो इस तरह से आप इसको किसी भी गमले में इस तरह से डाल देंगे, और ऊपर से थोड़ी मिट्टी भुरभुरा देंगे, भुरभुरी सी मिट्टी डाल देंगे, तो ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं। अलाइसम के भी आप सीड कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपके नेक्स्ट ईयर के लिए आपको सीड मिल जाएंगे, तो आप उनको सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसमें सीड बनते हैं, और अभी तो मेरे पता नहीं बने हैं या नहीं बने हैं, शायद यही सीड होते होंगे जो ब्राउन ब्राउन से दिख रहे हैं। तो इसको भी अगर आपके सीड बनते हैं, तो आप उसको सीड से नेक्स्ट ईयर ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए डहेलिया का मैंने बताया था कि ट्यूबर्स मैं उन्हें गमलों में छोड़ देती हूँ। देखिए ये ट्यूबर्स हैं, और ये दो तीन साल से इसी गमले में पड़े हुए हैं, इसी में ये ग्रो होते हैं जब इनका सीजन आ जाता है, और ये अपने आप ही इसमें प्लांट ग्रो हो जाते हैं। फिर उन्हीं की कटिंग लगाकर मैं प्लांट लगा लेती हूँ, कटिंग लगा लेती हूँ, बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। नहीं तो आप इस तरह से ट्यूबर भी इसके कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये इसके ट्यूबर हैं, और देखिए कितने सारे हैं। मैंने एक प्लांट निकाल दिया था, मुझे ग्रो बैग्स की ज़रूरत थी, ये मेरे ग्रो बैग में लगा हुआ था, और देखिए कितने सारे ट्यूबर हैं। तो आप इनको भी इस तरह से भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसके ट्यूबर्स होते हैं। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा हेल्दी ट्यूबर है, और मैं चाहूँ तो इसको भी रख सकती हूँ। मैं देखती हूँ ये पूरा फुल सनलाइट में आज कई दिनों से पड़ा हुआ है, 4-5 दिन हो गए हैं। तो इनको आप इस तरह से सेव कर सकते हैं, आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर ऐसी ठंडी जगह में रखिए जहाँ बिल्कुल भी थोड़ा फंगीसाइड पाउडर लगा करके, तो भी आपका प्लांट बच सकता है। मेरे तो कई बार यानी बच एक बार बच भी गए थे, और एक आध बार तो ख़राब भी हो गए थे, क्योंकि लास्ट में फिर जुलाई में ख़राब हो गए थे मेरे ये जो ट्यूबर मैंने ऐसे रखे हुए थे। तो आप इनको इस तरह से रख सकते हैं कलेक्ट करके, और अगले साल फिर इनको ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से भी ग्रो हो जाते हैं। या तो फिर सबसे आसान तरीका यही है कि आप उनको अपने गमले में उसी में छोड़ दीजिए, तो आपके प्लांट सेव हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं क्रिसेंथियम की। क्रिसेंथियम तो लगभग सभी को पता है, लगभग पूरे साल चलने वाले प्लांट है वैसे तो, लेकिन साल में एक बार ही ये फ्लावरिंग करते हैं विंटर में। तो आप इनको भी सेव कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप इनको जब ये फ्लावरिंग खत्म हो जाती है, जैसे ये देखिए अभी भी फ्लावरिंग हो रही है मेरे गार्डन में, क्रिसेंथियम में कितने सुंदर फूल आ रहे हैं। और फ्लावरिंग खत्म होने के बाद आप इस तरह से कट कर दीजिए, जैसे मैंने इस प्लांट को कट कर दिया है, और देखिए न्यू ग्रोथ इसकी कितनी अच्छी हुई है, और ये तो अभी इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो इस तरह से आप इनको सेव करके, और फिर इन्हीं की कटिंग लगा लगा करके नेक्स्ट ईयर जुलाई में इनकी कटिंग लगा दीजिए, जून के लास्ट में लगा दीजिए, तो बहुत अच्छे से आपकी कटिंग तैयार हो जाएंगी, और आपके पास बहुत सारे क्रिसेंथियम के प्लांट बन जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सब ऊपर के कट कर दिए हैं, तो मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट नेक्स्ट ईयर में फिर से इनको तैयार कर लूँगी। तो ये थे कुछ विंटर के प्लांट्स जिनको आप सेव कर सकते हैं इस तरह से।
और यहाँ पे देखिए मैंने नागचंपा की कटिंग लगाई थी, कितने अच्छे से ग्रो हो गई है। और यहाँ पे जो कलियाँ आई हुई थी शुरू की जब मैंने कटिंग करी थी तभी इसमें कलियाँ आई थी, यही कलियाँ देखिए बढ़ना स्टार्ट हो गई है। सिर्फ सैंड में लगा हुआ है ये कटिंग, ये देखिए प्योर सैंड बिल्कुल धुली हुई रेत में। तो मैंने इसी में लगाया है, कुछ एडेनियम भी लगा दिए थे तो इनकी भी ग्रोथ शुरू हो गई है देखिए। और गजानिया के प्लांट भी आप सेव कर सकते हैं सीड से इसके, जैसे ये देखिए ब्राउन हो जाते हैं बिल्कुल, सब में तो सीड नहीं बनते हैं लेकिन जो बहुत अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं उसमें सीड बन जाते हैं, तो आप इसके भी सीड कलेक्ट करके इसको सेव कर सकते हैं। और या तो आप इसको अगर रेनी सीजन में बचा लेते हैं तो ये पूरे साल आपके गार्डन में ये भी बच जाता है, जैसे हम जरबेरा वगैरह को बचा सकते हैं वैसे ही। तो आप इसके भी बहुत सारे प्लांट डिवाइड करके लगा सकते हैं, देखिए इसमें कितने सारे पप्स निकलते हैं नीचे से, और इसी तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो आप सेव कर सकते हैं, बाकी तो विंटर के प्लांट्स नहीं बचते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं। मेरे यहाँ तो ये भी नहीं बचते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थर्ड फ्लोर पर गार्डनिंग करती हूँ, अगर ग्राउंड फ्लोर पर होता तो मैं शायद कोशिश भी करती बचाने की, लेकिन यहाँ पर बचाना नामुमकिन हो जाता है तो मैं नहीं बचा पाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग के यहाँ का एरिया थोड़ा ठीक ठाक है, अगर आपने बिल्कुल इतनी ऊंचाई में गार्डनिंग नहीं कर रहे हैं तो आप उनको सेव कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये थे कुछ प्लांट्स। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।